प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात राही देशवासियों नु संबोधन कीता है। मन की बात प्रोग्राम हर महीने दे आखिरी एतवार नु प्रसारित हुंदा है। अज 27 अगस्त नु प्रोग्राम दा 104वां एपीसोड सी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चंद्रयान दी सफलता दा जिक्र करदे होए कहा कि मिशन चंद्रयान न्यू इंडिया दी भावना दा प्रतीक है। प्रोग्राम च प्रधानमंत्री ने अपनी कविता नु भी पढ़िया। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान दी सफलता बेहद वड्डी है, इस दी हर पासे चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सितंबर दा महीना भारत दी समर्था दा गवाह बनन जा रहा है। भारत अगले महीने होने वाले G20 नेतावां दे सम्मेलन दे लई पूरी तरह तैयार है। G20 सम्मेलन दे इतिहास दे विच हुण तक दी सब तो वड्डी शमूलियत होवेगी। पीएम मोदी ने दस्सिया कि उन्हां दी प्रधानगी दौरान भारत ने G20 नूं वधेरे समावेशी मंच बनाया। भारत दे सद्दे ते ही अफ्रीकी संघ वी G20 च शामिल होया ते अफ्रीका दे लोकां दी आवाज दुनिया दे इस महत्वपूर्ण मंच ते पहुंची। मन की बात दे अपने 104वें एपीसोड दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दे विच होईयां विश्व यूनिवर्सिटी खेडां दे विच तगमे जीतण वाले एथलीट्स नूं वधाई दित्ती ते उनां दे नाल गल्लबात भी कीती। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवा खिलाड़ी विद्यार्थी इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं। यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी में मेडल जीता है। असम के रहने वाले अम्लान ने एथलेटिक्स में मेडल जीता है। यूपी की रहने वाली प्रियंका ने रेस वॉक में मेडल जीता है। महाराष्ट्र के रहने वाली अभिदन्या ने शूटिंग में मेडल जीता है। मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों नमस्कार। नमस्ते सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रगति में इस